हेलो स्टूडेंट, सितारे सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग नंबर ऑफ फ्लोइंग, सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो खुद से और वन से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है विच इज़ द प्राइम नंबर ऑफ फ्लोइंग, यानी कौन सा नंबर जो प्राइम नंबर 7 है जो खुद से डिवाइड हो रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7। फर्स्ट का विच इज द प्राइम नंबर ऑफ फ्लोइंग, फिर से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 27, तो 27 हो जाएगा 1 क्योंकि नेचर नंबर अभी हमने अब बताया आप लोगों को कि नेचर नंबर 1 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटा सबसे पहला नंबर है। ऐड द फ्लोइंग, यहाँ पे ऐड करना है तो ऐड करेंगे हम लोग। तो ये चार ऑप्शन है, इसका कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डैश इक्वल 7942 जीरो, और इसमें क्या हम लोग ऐड करेंगे तो 7942 होगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर वही होगा जो ये लिखवा। अगला सवाल है 0 + 684 इक्वल क्या होगा। 684 को अगर जीरो हम लोग ऐड, 6211 आपका आंसर हो जाएगा 1 ए। अगला सवाल है द रूट ऑफ -2, -2 में अगर यहाँ पे +1 कर दें, +1 करेंगे तो क्या होगा। +1 - 2 इक्वल हो जाएगा -1 आपका आंसर। तो -1 ऑप्शन सी आंसर होगा। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर कर रहा है तो यहाँ पे -1 करना है, तो -15 और -1 इक्वल -16। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है p + p = p है तो p से p हमारा क्या होगा कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 में 2। अगला सवाल है 52 के बीच का डिफरेंस कितना का है, 21 का। इसके 52 80 के बीच का डिफरेंस 28 का, फिर 80 और 10 तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 9 9 9 10 तो यहाँ होगा 10 9 9 9 10 9 9 9 किसमें आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है द रोमन नंबर 4 378 का 4 रोमन नंबर क्या होगा। तो 300 है तो यहाँ पे 100 का 300 है तो 3 हो जाएगा, 70 है तो 70 का क्या होता है तो एल एक्स एक्स, और 8 है तो 8। तो ये आपका ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हो गया सी आपका आंसर। थैंक यू।